स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। टुडे वी विल डिस्कस 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म। ठीक है, आज हम कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये 14 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और मोस्टली ये बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं, सो इसलिए आपने इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू अगेन, दीज 14 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू विल हैव टू लर्न इट। आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, और ये जो 14 पॉइंट्स हैं कायदे आज़म के, इनको आपने एज इट इज़ याद करना है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है स्टूडेंट्स, कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि ऐसी क्या रीज़न थी, इसका क्या बैकग्राउंड था, किस वजह से 14 पॉइंट्स कायदे आज़म को पेश करना पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसका बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। इसके बैकग्राउंड में जो मेन चीज़ थी वो थी नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, इसकी बेसिक रीज़न ये थी क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में लखनऊ पैक्ट को कैंसिल कर दिया गया था। लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान का फर्स्ट टाइम ज्वाइंट सेशन हुआ था, इन दोनों के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था उसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें लखनऊ पैक्ट में फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट को तस्लीम किया था। तो जब नेहरू रिपोर्ट आई, नेहरू रिपोर्ट में लखनऊ पैक्ट को कैंसिल कर दिया गया एंड सेपरेट इलेक्टोरेट वाज डिनाइड, और मुसलमानों के जुदागाना इंतखाब से इनकार कर दिया गया एंड ऑल द रिजर्वेशंस ऑफ मुस्लिम्स वर इग्नोर्ड। मुसलमानों के वो सारे तहफ़ुज़ात जो मुसलमान अपनी तरक्की के लिए ज़रूरी समझते थे उनको मानने से इनकार कर दिया गया, उन्हें इग्नोर कर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वजह से इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, तो फिर कायदे आज़म को ये जो नेहरू रिपोर्ट थी, कायदे आज़म को उन्हें इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया एंड देन कायदे आज़म ने फिर अपने 14 पॉइंट्स पेश किए। ठीक है, हमारे गाइडलाइन 14 पॉइंट्स उन्होंने पेश किए थे कायदे आज़म ने। आइए अब उनको डिस्कस करते हैं कि वो 14 पॉइंट्स क्या थे। 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म, 14 पॉइंट्स पर प्रेजेंटेड इन 1928 के स्टूडेंट्स, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज अ एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि 14 पॉइंट्स कब रिप्रेजेंट किए गए थे, व्हेन वाज 14 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड, द आंसर इज एट इन 1929। ये डेट आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। वन बाय वन कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट 7 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट 7 है उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज दैट द फॉर्म ऑफ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल विद ग्रेटर अटोनोमी टू द प्रोविंसेस, यानी कि जो फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें प्रोविंसेस को, सूबों को अटोनोमी कहते हैं, खुद मुख्तारी, शुड बी फेडरल। फेडरल कहते हैं कि फेडरल होती है ऐसी हुकूमत जिसमें वफाकी, ऐसी हुकूमत जिसमें सूबों को अंदरूनी खुद मुख्तारी हासिल होगी। इन शॉर्ट के एवरी प्रोविंस हैज़ इट्स ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल इसे कहते हैं कि जिसमें हर सूबे को खुद मुख्तारी दी जाए, हर सूबे की गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग अपने सूबे के डिसीजंस ले सके और उनको सॉल्व कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है फेडरल। तो कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट ये था कि आइंदा सब सूबों को खुद मुख्तारी दी जाएगी कि वो अपने फैसले खुद कर सकें, ऐसा ना हो कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे तो सारे प्रोविंसेस को वो बात माननी पड़े। कायदे आज़म ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हर प्रोविंस को खुद मुख्तारी दी जाएगी कि उनको अपनी, कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें। फर्स्ट पॉइंट ये था। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट अ यूनिफॉर्म मेजर ऑफ ऑटोनॉमी शुड बी ग्रांटेड टू ऑल प्रोविंसेस, कि उन्होंने कहा कि सब सूबों को जो भी अटोनोमी, जो भी खुद मुख्तारी दी जाएगी वो यूनिफॉर्म होगी, वो सारे सूबों के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो सेम होंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि स्टूडेंट्स उस टाइम में ना जो प्रोविंसेस थे, मोस्टली प्रोविंसेस में मुसलमान माइनॉरिटीज में थे, और जो दूसरी कौम थी स्पेशली हिंदू थे वो मेजोरिटी में थे। तो कायदे आज़म ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटी में है
उनको कम खुद मुख्तारी दी जाए और जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में उनको ज़्यादा दी जाए। कैसे ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे वो किसी सूबे में कोई माइनॉरिटीज़ हैं या मेजोरिटी जो भी है, हर सूबे को इक्वल अटोनोमी दी जाएगी, हर सूबे को इक्वल अटोनोमी यानी कि खुद बराबर की खुद मुख्तारी दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड थर्ड पॉइंट इज़ दैट एडुकेट एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन शुड बी गिवन टू द माइनॉरिटीज़ इन द प्रोविंसेस। मीन्स के जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। ठीक है, कि यानी कि अब ऐसा ना हो कि जो मेजोरिटी हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको कम। कैदाजिम ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एडवोकेट एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के उनको भी मुनासिब एंड सेटिस्फेक्ट्री नुमाइंदगी देनी चाहिए जो माइनॉरिटीज़ हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि तब मुसलमान माइनॉरिटीज़ में थे। तो एक ये था, नेक्स्ट पॉइंट ये था, इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शुड नॉट बी लेस देन 1/3। ठीक है, उन्होंने कहा कि सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी कि मरकजी असम्बली में मुसलमानों की जो तादाद है वो 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मुसलमान माइनॉरिटीज़ में थे और 1/3 है ये ऑलमोस्ट 33% बनता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो मुसलमानों की नुमाइंदगी है वो 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए, वो 33% से कम नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्शन शुड अप्लाई टू ईच कम्युनिटी, हाउ एवर इफ एनी कम्युनिटी वांट्स इट कैन चूज द मेथड ऑफ मिक्सड इलेक्शन ऑन इट्स फ्री विल। यानी कि जो सेपरेट इलेक्शन का प्रिंसिपल है, सेपरेट इलेक्शन का जो असूल है वो हर एक पे लागू होना चाहिए। ताहम अगर कोई चाहता है मिक्स इलेक्शन करना को चाहे तो उसकी अपनी मर्जी है। इट्स मीन के स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं कि मिक्स इलेक्शन क्या होता है और सेपरेट इलेक्शन क्या होता है। मिक्स इलेक्शन में देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी पार्ट ले सकता है, कोई भी हिस्सा ले सकता है, किसी भी सीट पे कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है और कोई पर्सन किसी को भी वोट कर सकता है। ये होता है मिक्स इलेक्शन। तो कायदे आज़म ने कहा कि अगर कोई चाहे तो अपनी मर्जी से मिक्स इलेक्शन कर सकता है। सेपरेट इलेक्शन मीन्स देखिए स्टूडेंट्स, जब ब्रिटिशर्स ने मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया था, इम्प्लीमेंट कर दिया था। सेपरेट इलेक्टोरेट ये होता है कि अगर किसी जगह पे इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाएं, कुछ सीटें लोगों के यहाँ पे इन सीटों पे माइनॉरिटीज़ ही इन सीटों पे इलेक्शन लड़ सकते हैं और वो ही वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो कायदे आज़म ने कहा था कि जो ब्रिटिशर्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट को तस्लीम किया था उसे कंटिन्यू रखा जाए, यानी कि सेपरेट इलेक्शन हो, हर किसी का सेपरेट इलेक्टोरेट हो, हर किसी को जुदागाना इंतखाब हो। ठीक है स्टूडेंट्स, कायदे आज़म ने कहा कि ये था सेपरेट एंड मिक्स इलेक्शन के, सेपरेट हर कम्युनिटी के सेपरेट इलेक्शन हो। अगर कोई कम्युनिटी चाहती है, अगर कोई मिक्स इलेक्शन करना चाहता है तो वो फिर उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन सेपरेट इलेक्शन का राइट हर एक को देना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, नो चेंजेस शुड बी कैरिड आउट इन द टेरिटोरियल लिमिट्स टू द प्रोविंस विच मे अफेक्ट द मुस्लिम मेजोरिटी इन द पंजाब बंगाल एंड NWF प्रोविंस प्रेजेंटली खैबर पख्तूनख्वा। NWF जो प्रोविंस है उसको हम अब जो उसे खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कैदाजिम ने कहा कि जो पंजाब बंगाल एंड खैबर पख्तूनख्वा हैं इनके लिमिट्स में, प्रोविंसेस की जो हदूद हैं, सूबों की हदूद में कोई भी ऐसी तब्दीली ना की जाए, ठीक है, जिससे मुस्लिम मेजोरिटी के जो एरियाज़ हैं उनको वो मुतासिर हों। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि सूबों की हदूद में ऐसी कोई भी तब्दीली ना की जाए जिससे मुस्लिम जो मेजोरिटी एरियाज़ हैं वो मुतासिर हों। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था सिक्स पॉइंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, इक्वल रिलीजियस लिबर्टी शुड बी ग्रांटेड टू ऑल कम्युनिटी। हर कम्युनिटी को अपनी लोगों को यकसा यानी कि सेम मजहबी आज़ादी दी जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, हर सूबे को इक्वल मजहबी आज़ादी दी जाए। अब ये ना हो कि कुछ प्रोविंसेज हैं, कुछ लोग हैं वो अपनी मर्जी से अपने मजहब के अकॉर्डिंग लाइफ स्पेंड कर सकें और कुछ को बाउंड किया जाए कि नहीं आपने इसी को फॉलो करना है, इसी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। हर एक को मजहबी आज़ादी वह इक्वल की दी जाए। ठीक है स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स, इन ये 7 पॉइंट्स को आज हमने डिस्कस किया है, इनको आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। इनको एज इट इज़ जैसे ही आपकी बुक में दिए गए हैं आपने वैसे ही लर्न करना है, कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। और नेक्स्ट 7 पॉइंट्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।